साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। पीओके हो या पाकिस्तान हो, वहां की जनता सुखी रहे। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत वसुंधैव कुटुंबकम का हर बार संदेश देता है। औरैया में कच्ची दीवार गिरने से 6 लोग दबे, एक बच्चे सहित माता पिता की मौत, 3 बेटे घायल। रात में सोते समय हुआ हादसा। बाइक की चाबी ना देने पर भतीजे को मार डाला। अमेठी में नशे में धुत चाचा ने लोहे की रॉड से की पिटाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर में 12 पुलिस वालों पर होगी FIR, कोर्ट ने दिया आदेश। गौ तस्कर बताकर पुलिस ने पैर में मारी थी गोली। सातवीं की छात्रा से क्लास टीचर ने किया है रेप। अलीगढ़ में स्कूल के बाद घर ले गया, फिर रात भर कमरे में करता रहा वारदात। महिला अधिकारी को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल हुआ। पुष्टाहार के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप पर सफाई दे रही थी। रामपुर में दबंगों का होटल पर हमला, मालिक और उसके बेटे को पीटा, तोड़फोड़ की, खाना फेंका, लाठी डंडे लेकर पहुंचे लोग। नहीं थम रहा है ठंड में मौत का सिलसिला। कानपुर में हार्ट अटैक से 4 और ब्रेन स्ट्रोक से 3 की मौत, बच्चों को हाइपोथर्मिया। औरैया पुलिस ने 2 घंटे में मासूम को किया बरामद। बच्चे को पाकर परिजन के चेहरे खिले। स्कूल में आने के बाद घर से कहीं चला गया था। चौबीस जनवरी को मनाया जाएगा यूपी दिवस। मथुरा में DM ने अधिकारियों के साथ की बैठक, 3 दिन लगाए जाएंगे स्टॉल। बरेली में 2 छात्रों समेत 5 गिरफ्तार, लूट और डकैती की वारदात कर रहे थे, बना रहे थे इसकी योजना। पुलिस ने बाइक, चाकू और लोहे की रॉड बरामद की। हाथरस में युवक की मौत, 3 दिन पहले कुत्ते ने काटा था, मौत से पहले नजर आए थे रेबीज के लक्षण। टीचर के बीच हुई है मारपीट, मथुरा के प्राथमिक विद्यालय में महिला टीचर के बीच हुआ है झगड़ा, लड़ाई का वीडियो हुआ वायरल। बहराइच में SP ने किया है औचक निरीक्षण, बोले फरियादियों से फीडबैक लेकर रजिस्टर में करें अपडेट। लखनऊ में G20 के लिए वाकाथन, CM योगी ने दिखाई है हरी झंडी, 10,000 लोगों की भीड़ से जगह जगह जाम। सहारनपुर में निगम ने चलाया स्वच्छता अभियान, बाबा लाल दास बांडा दरगाह हाजी शाह के फुलवारी आश्रम की हुई सफाई। अमरोहा में बोले विधायक राजीव तरारा, साग को धूमिल करने के लिए लगाए जा रहे थे आरोप। बारिश के बाद भी ठंड नहीं होगी, यूपी में 22 से 25 तक हल्की बारिश का अनुमान, कानपुर में तापमान 3.8 डिग्री रहा। कानपुर देहात पुलिस ने लूट का किया है खुलासा, आरोपी बोले पैसे की जरूरत ने बना दिया लुटेरा। आगरा आ रही छत्तीसगढ़ एक्सप्रेसवे के कोच से उठा धुआं, ट्रेन की कोसी कला स्टेशन पर रोका गया।
एसिड अटैक के दोषियों को 14 साल की जेल। मेरठ में पीड़ित नंदन और जेठानी को मिला न्याय। संगम में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, 1 करोड़ श्रद्धालु ने लगाई डुबकी। चप्पे चप्पे पर कमांडोज स्नाइपर्स तैनात। प्रतापगढ़ में 13वीं में दबंगों ने की है पिटाई, नशे में की है गाली गलौज, परिजनों समेत रिश्तेदारों की हालत गंभीर। बलिया में एसपी ने 3 निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में किया है बदलाव, निरीक्षक पारसनाथ सिंह को मिला सुखपुरा थाने की कमान। महाराजगंज में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु ने लगाई है डुबकी। वैकुंठ नदी में स्नान कर पूजा की, पुरोहितों को दान कर बने पुण्य के भागी। अमेठी में निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान युवक की हुई है मौत, परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा काटा। बुलंदशहर में मां ने बच्ची के शव को फेंका, नवजात बच्ची के लावारिस शव को हिंदू संगठन के लोगों ने विधि विधान के साथ दफनाया। गाजीपुर में 23 जनवरी को कोर्ट में नहीं पेश होगा मुख्तार अंसारी, हाई कोर्ट के मुकदमे के ट्रायल पर लगाई रोक। कानपुर में संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में लगे हैं नीम के पेड़ के नीचे अचानक निकलने लगी आग, जानकारी मिलते ही देखने पहुंचे श्रद्धालु। बुलंदशहर में एक बार फिर कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, कोहरे की धुंधली चादर में ढका, विजिबिलिटी भी हुई सामान से बेहद कम। अमेठी में मामूली बात में युवक की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी। औरैया में मोहल्ला विधिचंद्र व मदार दरवाजा के जर्जर मकानों की स्थिति का निरीक्षण करने पहुंची है पीडब्ल्यूडी की टीम, बताए 6 घर जर्जर। बुलंदशहर में विद्युत विभाग के जय और किसान नेता का ऑडियो वायरल, जय द्वारा किसान नेता को दी जा रही धमकी। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की जांग में लगी गोली, हालत गंभीर, जिला अस्पताल से वाराणसी रेफर। बुलंदशहर में अवैध कब्जा हटाने पहुंची राजस्व टीम, भूमि से रास्ता निकालने का लोगों ने किया विरोध। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर बियर पीकर रील बनाने का वीडियो हुआ है वायरल, पुलिस की कार्रवाई की पोल खुल। गोंडा में जर्जर स्कूल, शौचालय टूटे, स्कूल के बाहर पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, जर्जर ज्यादातर बच्चे विद्यालय को आना बंद कर दिए हैं। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लखीमपुर खीरी में विवाद सुलझाने गए दरोगा और 2 सिपाहियों को ही कर दी गई उनकी पिटाई, सरकारी पिस्टल लेकर फरार हुए दबंग। कमिश्नरेट पुलिस को चुनौती देते चोर, लखनऊ के थाना ठाकुरगंज में चोरों का आतंक, घर के बाहर से सेंट्रो कार ले उड़े। संभल के असमोली पेट्रोल पंप में लोगों ने वाहनों के साथ धोखाधड़ी, तेल की जगह भरा जा रहा है पानी। शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी के सारे वादे झूठे और उन्होंने कोई काम नहीं किया।
गाजियाबाद में जिम संचालक पर एक युवक ने अपने साथियों के साथ किया जानलेवा हमला, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुटी। मेडिकल कॉलेज हुआ अव्यवस्थाओं का शिकार, धन उगाही के आरोप के बाद स्टाफ नर्स और ईमानदारों में हुई मारपीट। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते वृद्ध महिला ने की है आत्महत्या, मौके पर जनपद के आला अधिकारियों और पुलिस प्रशासन मौजूद। बुलंदशहर में ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार दो होमगार्डों की हुई है भिड़ंत, टक्कर में दोनों होमगार्ड हुए गंभीर रूप से घायल। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम ने सील किया अवैध निर्माण, लगातार एलडी अवैध निर्माणों पर कस रहा है शिकंजा। हरदोई में अज्ञात कारणों से लगी झोपड़ियों में आग, आग से 9 झोपड़ियां जलकर हुई है खाक, पुलिस बल मौके पर मौजूद। राजधानी लखनऊ में निजी हॉस्पिटल में संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत हुई, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, आपस में टकराई दो कारें, हादसे में कार में सवार कई लोग हुए घायल। इन्वेस्टर समिट और G20 सम्मेलन आयोजन को लेकर तैयार हुआ सुरक्षा प्लान, 5,000 पुलिसकर्मी संभालेंगे सुरक्षा, ट्रैफिक की कमान। G20 को लेकर वाकथान का किया जाएगा आयोजन, केंद्रीय कानून एवं विधि राज्य मंत्री ने किया वाकथान का शुभारंभ। मासूम पर गिरी कच्ची दीवार, दीवार गिरने से घर में मची अफरा तफरी, इलाज के दौरान मासूम की हुई है मौत। बुलंदशहर में एडवोकेट अध्यक्ष कमल चंद बंसल के उपजिलाधिकारी को सौंपा है ज्ञापन, अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए की है मांग। लखनऊ में पीएसी जवान को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी है गोली, संदिग्ध हालत में गोली लगने से पीएसी जवान की हुई मौत। लखनऊ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी को लिखा है पत्र, बिना मूल जाने किसान गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर। सोनभद्र में इलाज के नाम पर दलाल ने बैंक से निकाले रुपए, पुलिस ने नहीं कर पाई है कोई भी करीब की सुनवाई। बेसहारा पशुओं के आतंक से गुस्साए किसानों ने तहसील कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन, किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ में चोर ने सेंट्रो कार पर किया है हादसा, पीड़ित ने ऑनलाइन दर्ज कराई FIR। बुलंदशहर में आगामी महाशिवरात्रि मेले को लेकर हुआ है बैठक, अध्यक्ष में उपजिलाधिकारी गजेंद्र सिंह की उपस्थिति में हुई बैठक। गाजियाबाद में पूर्व सैनिकों ने डीएम दफ्तर पर ज्ञापन सौंपा है, जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय में बताई अवस्थाएं। करंट लगने के बाद पोल पर लटकता रहा लाइनमैन, वीडियो बनाते रहे लोग, बॉडी में दिखी हरकत तो नीचे उतारकर अस्पताल भेजा। कोशामी में रुपए मांगने पर दंपति को बराए बंधक, पीड़ित बोला भीगे जमीन के बदले 8 लाख दिए, ना रुपए मिले ना जमीन। मेरठ में शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को लेकर हुआ विवाद, वाल्मीकि समाज के बुजुर्ग और बच्चों को लाठी डंडों से पीटा।
गाजियाबाद में ऑफिस में घुसकर लूटपाट, फ्लैट मालिक के रिश्तेदार पर कटर से हमला कर भागे तीन नकाबपोश बदमाश। इटावा सांसद ने शिवपाल अखिलेश पर की है टिप्पणी, कहा अखिलेश में हिम्मत है तो अपने आप को पीएम पद का उम्मीदवार करें घोषित। संभल में महिलाओं के बीच हुई है मारपीट, तीन महिलाओं सहित नौ पर मुकदमा दर्ज, दीवार बनने को लेकर हुआ था विवाद। गोरखपुर में श्रद्धालुओं ने लगाई है आस्था की डुबकी, मौनी अमावस्या पर राप्ती और सरयू तट पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अलीगढ़ में 12 दरोगाओं को मिली है नई तैनाती, एसएसपी ने लाइन हाजिर, चल रहे 8 एसआई को किया बहाल। सहारनपुर पुलिस ने अवैध कमल कटान पर छापा मारा, 20 जनवरी को रात को हुई कार्रवाई में मीट भरी तीन गाड़ियां को पकड़ा। मैनपुरी में बेरहमी से बेटी की हत्या कर घर में ही दफन कर दिया शव, गेट पर ताला लगाकर फरार हो गया परिवार। अयोध्या में पत्नी से मिलने गए युवक पर धारदार हथियार से किया गया हमला, फिलहाल अभी पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली। लखनऊ में विश्वविद्यालय का 65वां दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन, समारोह में 42,688 विद्यार्थियों को दी गई डिग्री। ललितपुर में छात्रों के दो गुटों में मारपीट, तीन छात्र घायल, मारपीट का वीडियो हुआ है वायरल। अतिक्रमण हटाओ के विरोध में मुरादाबाद में बाजार बंद, व्यापारी बोले निगम दिखा रहा है तानाशाही। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।